मॉर्निंग, वेलकम बैक माई चैनल श्रीकांत। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जैसे तैसे हूँ। कल वीडियो में एक कमेंट आया था कि बहुत लेजी रहती हो आप, थोड़ा ढंग से बोला करो, ढंग से रहा करो। तो जब आप माँ बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है? अपने लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, तब आप किसी को बोलिए, ऐसे मत बोलिए। तो अभी मैं किचन से आई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मम्मी के साथ पराठा बना रही थी इसलिए। और आज मुझे पैकिंग करना है, कल भी पैकिंग करना है, दो दिन टाइम है मेरे पास। और संडे को मुझे जाना है मम्मी के पास, तो हाथ से पैकिंग करूँगी। बाबू का कुछ नया कपड़ा निकाली हूँ, वो सब मुझे धोना है क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम कर रहा है, हवा वगैरह चल रहा है। तो ये सब बाबू का कुछ है ड्रेस जो हमने ऑनलाइन मंगवाया भी था। तो ये फूल है, तो मैं सोच रही ये पहना के ले जाऊंगी, क्योंकि टोटो में जाती हूँ बहुत तेज़ हवा चलता है। ये और ये मिस्टर बात नहीं हूँ, ला के दिए हैं, सबको धोना है। मैं बाबू को नया कपड़ा हमेशा धो के पहनाती हूँ, वो भी डेटॉल से धोती हूँ, उसके बाद पहनाती हूँ, ऐसे नहीं पहनाती कोई भी कपड़ा। और अभी बाबू सो रहा है, कल तो मुझे रात को जगा था तो सो रहा था, उठ रहा था। और ये सब सामान भी मुझे लेना है सब कुछ। तो चलिए देखती हूँ आगे जो जो भी होगा सब कुछ शेयर करूँगी, जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी, आप लोगों को अब निराश नहीं करूँगी। और एक कमेंट आया था, आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, ऐसे वैसे। तो मेरा जो डेली दिनचर्या, मैं वही दिखाऊँगी, मैं कुछ बना कर नहीं दिखा सकती हूँ, जो है वही दिखा सकती हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ देखिए, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मत देखिए। हे गाइस, तो मैं नहाने चली गई थी, खाना बना रही थी, चावल मटन करी बना के, इसके बाद फिर नहाने गए, नहा कर आई हूँ। और अभी गुल्लू को तैयार कर रही हूँ, मेरा गुल्लू। हाँ, वो डुबा के रखे थे थोड़ा। तो बाबू को आज मैं फुल पहनाती हूँ बाबू को, क्योंकि आज बहुत थोड़ा ठंडा हवा चला। अभी बाबू का मुँह वगैरह साफ नहीं की हूँ, वाइप से साफ करूँगी। बाबू को दवाई वगैरह खिला चुकी हूँ, अभी सिर्फ एंग कर रहा है ना बेटा, कोई कोई ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ बाबू को, फ़ोन दूर ही रखना चाहिए बच्चा से, लेकिन क्या करूँ। और अभी बाबू को तैयार करूँगी फटाफट, उसके बाद फिर मुझे पैकिंग करना है थोड़ा बहुत आज करूँगी। तो चलिए बाबू को पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैं मटन करी कैसे बनाई। और रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह हो रहा था, और जल्दी जल्दी मुझे बनाना था, नहाना भी था, प्लस तैयारी भी करना है, इसी वजह से चावल मटन करी और फिर सैलेड। तो जब खाऊंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। हे गाइस, तो अभी बाबू को कर दे तैयार, और बाबू अपने दादा के पास है। और अभी मुझे करना है बाबू का, सबसे पहले ये पहले लेकर जाऊंगी, बाबू का कपड़ा सारा इसी में रहता है, और कुछ नए नए कपड़े उनके पापा लेकर आए थे कल, तो वो धो के अच्छा से धूप में डाल दिए हैं। और जो जो है सबको अच्छा से समेट लेती हूँ, बाबू का सॉक्स वगैरह सब एक जगह रख दूँगी, इतना भी समेट लो बाद में वैसे ही हो जाता है, लेकिन अभी जाऊँगी तो अच्छे से समेट लेती हूँ, इसके बाद अच्छे से लेकर जाऊँगी, हर चीज़ लेकर जाऊँगी, कोई चीज़ का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये मैंने खाली कर लिया हुआ है, और इतना सारा कपड़ा बाबू का यहाँ पे भी है, तो वहाँ पे थोड़ा खुला वगैरह है जगह है, तो आज न कल तो बारिश हो गई, ठंड हो गई, तो इसीलिए सब कुछ मैं लेकर जाऊँगी, बाबू का गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा, सब कुछ भी। चलिए फटाफट करती हूँ मैं पैकिंग। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं फटाफट बाबू का जो है कपड़ा मैं समेटने लगी थी, बहुत सारा कपड़ा था बाबू का छोटा, और बहुत सारा छोटा हो गया है, बहुत ही छोटा, तो वो सब हटा दूँगी और जो अच्छा है वो सब रख लूँगी। और बाबू को अभी पैंट नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि अब इसमें रबड़ वगैरह रहता है, इसीलिए बच्चे को पैंट नहीं पहनाना चाहिए, अभी लंगोट में ही रहता है बाबू, कभी कदार कहीं जाना हुआ तब पहनाती हूँ, क्योंकि उससे कमर भी बच्चे का पतला हो जाता है इसी वजह से, और टाइट होता है तो बाबू को थोड़ा दर्द भी होगा इसी वजह से, इसलिए तो भी मैं मतलब पैंट सब रख ली हूँ बाबू का, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ही कभी ना कभी, इसीलिए एक साइड पैंट और एक साइड जितना है ऊपर का बटन वाला फीता वाला सब एक साइड रख रही हूँ। और अभी तो मेरा बाकी है, मुझे अपना भी करना है, अपना वाला मेरा बहुत सारा मेरा सामान है, मुझे वो सब भी लेना है, ज़्यादा तो बाबू का ही है, मेडिसिन हो गया, इसके बाद फिर बाबू का मिल्क वगैरह है,
फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो है, और बाबू का छोटा छोटा कपड़ा जो कैथा वगैरह था वो सब भी है, वो सब भी लेना है मुझे। तो यहाँ पे मैं फटाफट बाबू का जो पैक कर ली हूँ। एवरीवन, तो अभी आ गए हैं किचन में और अभी है दोपहर का टाइम, तो अभी खाना खाना है हम लोग को। और अभी खाने में क्या बनाया है स्पेशल देखते हैं। आज है शुक्रवार तो आज कुछ अलग ही बनाया है, नॉनवेज जो कि मैं स्वीति बनाए हैं। आज है मटन कड़ी, चावल, सैलेड, तो क्योंकि नॉनवेज थोड़ा कम बनता है घर में, सब लोग खाते नहीं है इसलिए कभी कभी बनता है। तो आज लगभग 10-12 दिन बाद बना है, 10-12-15 दिन बाद बना है आज, इसलिए हम लोग आज खा रहे हैं। तो ऐसे सादा खाना ही हम लोग खाते हैं ऐसे डेली। और बाबू अभी मम्मी के साथ वहाँ पे खेल रहा है। अभी बाबू दिन में नहीं सोता है, रात में सोता है। टाइम उसका थोड़ा जो है चेंज हो रहा है आजकल, और अच्छा है ऐसे टाइम चेंज होना भी जरूरी है, क्योंकि रात में जगता था तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। अभी रात में ऐसे एक बार दो बार जगता है दूध पीने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चा को भूख लग जाता है 2-3 घंटा में, तो सही है रात में एक दो बार ऐसे, तो दिन भर जगता है अच्छा है, खेलते रहते हैं दिन में हम लोग उसके साथ। और बाबू फिर तो अभी 2-3 दिन में चल जाएगा अपने नानी के घर, फिर कैसे मन लगेगा हम लोग को, ये भी चल जाएंगे जाने के लिए, तो बहुत खुश है देख रहे हैं उसका। पराठा खा रहे हैं क्यों? अच्छा लगता है रोटी इसके साथ। अच्छा, मटन के साथ भी अच्छा लगता है पराठा खाने में बहुत। हम तो चावल ही खाएंगे क्योंकि चावल खाएंगे भूखे हैं। हो गया, चलिए तो ये रहा हमारा आज का खाना। तो मुझे बाबू का जो ये है जिम वाला, ये मुझे लेकर जाना है क्योंकि बाबू अभी वहाँ रहेगा तो इसमें भी खेलेगा, क्योंकि ये घर में पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। बाबू के लिए मंगवाए हैं तो सोचे इसे लेकर, बहुत सारा सामान है जो मुझे लेकर जाना है। मेरा फिटिंग पिल्लो है, इसके बाद बाबू का ये है नेट है, और थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो केथा वगैरह होता है जो दादी रानी लोग बनाती है वो भी मुझे लेके जाना है। और मम्मी तो वहाँ पर रखी है बना के, और बना ही देगी मम्मी। मैट है और ये मैट है, तो इसे ये पैक करके मुझे देंगे, मैं लेकर जाऊंगी। नट टाइप का है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, नट टाइप का है, टाइट होगा लगा के। अच्छा, तो ध्यान से खोलिए, तोड़िएगा नहीं। हाँ ठीक, दोनों तरफ है, ठीक है। हाँ खोल गया है ना, नट टाइप का। हाँ, खुल जाता है तो इसको भी यहाँ से खोल लेना है, ठीक है। ओह, सब खुल गया, अलग हो जाएगा। अच्छा, कर लेंगे ऐसे भी, ऑनलाइन देख के भी कर लेंगे ना। इसको बंद कर दे, बैटरी बहुत खाता है। हाँ ठीक है, काम आने बाद बंद, ऐसे फिर ऑन। हाँ ठीक, तो ये मैं लेकर जाऊंगी ये भी, और आज रात को ही दवाई वगैरह पैक कर लूँगी, ये आएंगे। और ये दीजिएगा ना बाबू का ऑयल, ऑलिव ऑयल एक डब्बा, और एक वाइप्स, और क्या, हाँ बाबू का शैम्पू ख़त्म हो सकता है बीच में, अगर मिल जाएगा वहाँ पे तो खरीद लेंगे दुकान से, मिल जाएगा। बिछाना गंदा हो गया, दुकान में मिल जाएगा। तो इसे पैक कर रहे हैं अभी, पैक कीजिए जल्दी, मुझे सोना भी है अभी, खाना वगैरह खा के आए, पूरा दिन हो गया है और बाबू पानी पे भी सो रहा है, तो मैं सोचती हूँ मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि रात भर नहीं सोई हूँ, सुबह भी नहीं सोई हूँ। तो यहाँ पे पैक हो गया है बाबू का खिलौना। अरे यार, ये मुंह तो खुल गया है, इसे बांधना पड़ेगा इसको। अब बांध, कुछ टेप वगैरह लगा दूंगा, ऐसे दो टोटम न जाएंगे, टेप लगा देना ऐसे। तो चलिए बाद में फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, अभी मैं आराम करूँगी थोड़ा। एवरीवन, तो सोकर उठ गई हूँ मैं, सोकर क्या उठूँगी, सोई तो है हूँ नहीं क्योंकि बाबू सोया ही नहीं था, और अभी बाबू सो रहे हैं, बाबू का थोड़ा रूटीन चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। तो मेरा बिंदी नहीं था इसलिए बिंदी मैंने लगा नहीं, मिस्टर भारत को मैं बोली थी बिंदी लाने के लिए, तो ये बिंदी वो ला कर दिए हैं, 4 नंबर का मैरून कलर। और बहुत दिन से मेरा गला खाली था, मेरे पास था तो वो गोल्ड का लॉकेट था टूट गया था, तो इसी वजह से मैं बनवा नहीं रही थी, लेकिन अब बनवा चुकी हूँ, मिस्टर भारत बनवा कर ला दिए हैं क्योंकि गला हमेशा खाली रहता है। और ये वाला ना सॉफ्ट है थोड़ा, गला में चुभता भी नहीं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा, थोड़ा ऑल डिज़ाइन बना दिए हैं, मैं डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं की थी इसी वजह से, कोई बात नहीं चलेगा। तो अब जा रही हूँ किचन में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, देखती हूँ क्या बनेगा रात का डिनर। 7 बज रहे हैं,
तो चलिए बस आप लोगों से कल मिलती हूँ, मुझे और भी तैयारी करना है बाकी है और परसों मुझे जाना है। ये तो बहुत ज़्यादा खुश है जा रहे हैं। वीडियो में इतना धीरे क्यों बोलते थे? बाबू सो रहा है ना, बाबू सो रहा है इसी वजह से। खुश है कि नहीं? इस दुखी आत्मा तो क्या कर रहे हैं? और हम लोगों का एक बहुत अच्छा हम लोगों का अच्छा, आपको एक बार फेसबुक का इस आईडी मेंशन करने बोले थे, नहीं किए थे ना यूट्यूब पे? कर देंगे। तो आप लोगों को फेसबुक पे हमारा शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिलेगा, जो जो हमें पसंद करते हैं प्लीज़ हमें फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। हम यहाँ पे नीचे दे देंगे आप लोगों को आईडी मेंशन कर देंगे, तो प्लीज़ हमें वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए जिसे मैं मायके जाऊँगी, जिसमें मेरा क्या लुक होगा और बाबू का क्या होगा। और मिस्टर भगत साथ में जाने वाले हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो मैं सोची थी बाबू फर्स्ट टाइम जाए तो ये भी जाए साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से मेरे भाई आएगा लेने के लिए। तो चलिए अब कल मिलते हैं आप लोगों से।